أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students السلام عليكم Exercise 3.2 Question number 23 Find the value of x log of 3x is equal to 4। अगर इस तरह की कोई भी टर्म यानी कि जो भी क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो आपने उसमें x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है तो देखें राइट हैंड साइड पे जो भी डिजिट होगा आपके पास वो जो लॉग के साथ बेस है उसकी पावर बन जाएगी और जो यहाँ पे होगा लॉग ऑफ थ्री के साथ जो भी वैल्यू होगी जो या डिजिट होगा वो लेफ्ट साइड पे राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे थ्री है लॉग की बेस थ्री है तो थ्री की पावर बन जाएगी फोर। ये जो हमारा राइट हैंड साइड पे डिजिट था इसकी जाके पावर बन गई इज़ इक्वल टू एक्स। तो ये जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं ठीक है। तो इसको आप सीधा करके लिख लें अप्लाइज एक्स इज इक्वल टू थ्री रेस टू फोर ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो थ्री रेस टू फोर का मतलब क्या है कि तीन को मल्टीप्लाई करो चार बार। तो चार बार अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 81 ठीक है। कैलकुलेटर पे आप मार लें अगर आपको इस तरह नहीं आता तो कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। थ्री वन ज़ार थ्री 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 ज़ार नाइन नाइन थ्री ज़ार ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन ज़र को ट्वेंटी सेवन थ्री ज़ार 81 यानी तीन एकम तीन तीन त्रियों नौ नौ त्रियों सताई सताईस त्रियों 81 तो 81 आपका आंसर आ गया। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसी तरह सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। तो इस पार्ट इस क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है एक्स दी जो होता है यानी कि जो हमारा राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होती है जो डिजिट होता है या जो वेरिएबल होता है वो लॉग की जो बेस है लॉग के साथ जो बेस है उसकी पावर बन जाता है यानी एक्सपोनेंट बन जाता है और जो इसके साथ प्रोडक्ट हो रही होती है वो राइट हैंड साइड पे चला जाता है। तो यहाँ पे इस लॉग की बेस 81 है तो 81 भी एक्सपोनेंट एक्स हो जाएगी जाके ठीक है। तो ये जो 9 इधर रह गया है 9 है या जो कुछ और आ जाए उसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं ठीक है। तो अब देखें इस 81 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें क्या आएगा नाइन स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू इधर क्या आएगा नाइन ठीक है। तो नाइन होल टू एक्स इज इक्वल टू नाइन तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखें इस नाइन के ऊपर दिया कुछ भी नहीं है तो इसकी पावर वन तो है तो बेस देखें दोनों की सेम आ रही है दोनों सेम है तो इसलिए हम टू एक्स इज इक्वल टू वन रख लेंगे यानी जो इनकी एक्सपोनेंट होगी वो इस तरह आ जाएगी। बेस अगर सेम हो तो एक्सपोनेंट हम इस तरह लिख सकते हैं एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल रख लेंगे ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू तो एक्स के साथ टू मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाके डिवाइड हो गया तो ये एक्स की वैल्यू आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है लॉग ऑफ 6 टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ देखें लॉग की बेस 6 टू 5 है तो इसका सॉल्यूशन आप इस तरह लिखेंगे 6 टू 5 तो ये जो 2x है वो इसकी आके एक्सपोनेंट यानी कि पावर बन जाएगी तो ये जो भी वैल्यू होती है वो राइट हैंड साइड पे चली जाती है। तो देखें 625 को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 देखें 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 आएगा 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आएगा और 125 को 5 से करें तो 625 आएगा ठीक है। तो इसकी होल 2x है मैं थोड़ा सा ये स्टेप आपको करवा देता हूँ।
तो वैसे डायरेक्ट भी ऐसे हो जाता है, 5 की आप होल 4 ले लें, इसकी होल 2x इज इक्वल टू 5। तो देखें क्या आती है, इसकी पावर 5 इंटू, और ये 8x आ जाएगी, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ इंटू एक्स इज इक्वल टू 5। देखें इनकी बेस सेम है, बेस सेम है ना दोनों की, तो इसके ऊपर क्या है, इसकी पावर 1 है, तो बेस सेम है तो आप इसकी एक्सपोनेंट को एक दूसरे के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। अप्लाइज, इससे एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/8 आपका आंसर आया है। तो एक बार में फिर आपको इसको रिवाइज करवा देता हूँ। 25 में जो लॉग होता है उसकी जो बेस होती है उस पे जो राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होती है ना वो आके एक्सपोनेंट बन जाती है, यानी कि इधर 2s था तो ये इस लॉग की बेस का एक्सपोनेंट बन गया, ठीक है। तो ये जो रकम होती है 5 और 2 और जो भी यहाँ पे वैल्यू हो वो राइट हैंड साइड में चली जाती है, तो इसको सिंप्लीफाई की है, तो सिंप्लीफाई करके अगर दोनों की बेस सेम आए, राइट और लेफ्ट जो टर्म है उसकी अगर बेस सेम आए तो उसके एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए 8x इज इक्वल टू 1, यानी 8x ये वाला है और 1 ये वाला है, क्योंकि इनकी बेस सेम थी तो इनके एक्सपोनेंट इक्वल हो गए एक दूसरे के, तो इससे एक्स की वैल्यू निकल आई। तो ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लॉग एक्स 7 टू 9 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले जो लॉग की बेस है, लॉग के साथ जो बेस है, जो लॉग की बेस है उस को लिख लें, ठीक है। तो जो राइट, उसके बाद जो राइट हैंड साइड पे होता है जो भी हमारा डिजिट हो या वेरिएबल हो वो इसकी पावर आके बन जाता है, वो लॉग की बेस की पावर बन जाता है, राइट हैंड साइड वाला जो भी डिजिट या एलिमेंट जो कुछ भी है वो इसकी पावर बन जाएगा। तो ये जो चीज़ बचती है जो इसके साथ प्रोडक्ट हो रही है लॉग ऑफ एक्स के साथ, ये राइट हैंड साइड पे चली जाती है, ठीक है। तो ये तो आ गया एक्स स्क्वायर, तो इसको तोड़ें आप, कौन से टेबल पे ये जाके टूटेगा। तो मैं 3 के टेबल से ट्राई करता हूँ, 3 3 3 3, 4 3 हो गए, 5 और 6, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आएगा, तो इसी तरह 9 को 3 से करेंगे तो 27 आ जाएगा, तो इसी तरह 81, और 81 को 3 से करेंगे तो 7 टू 9 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो एक्स स्क्वायर इधर ही रहेगा। इसके बाद देखें एक्स की कितनी पावर है, 3 की पावर कितनी बन गई है, 6, ठीक है। सिक्स एक्स की 3 की पावर 6 बन गई है, क्योंकि जब प्रोडक्ट हो रही हो तो पावर से ऐड हो जाती है। तो इसी तरह अब लिख लें, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या करना है आपने, स्क्वेयर रूट लेना है दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वेयर रूट, ठीक हो गया, इज इक्वल टू, तो इधर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 कर लें, उसके वो होल 2 कर लें, उसके वो स्क्वेयर रूट ले लें, तो ये स्क्वेयर रूट इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 3 की 3 आ जाएगा। तो इसको एक स्टेप आगे आप कर दें, ये 27 आएगा, एक्स इज इक्वल टू 27। 3 का टेबल 3 तक पढ़ें, फिर 3 तक पढ़ें तो आपके पास 27 आएगा, तो ये आपका आंसर है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।